हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनाबस की, और इसे कॉमनली क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग पंच, आरोहिमिन कहा जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑस्टिक्थिस की। ठीक है, और ऑस्टिक्थिस में हमने चार फिशेस के बारे में जान लिया। सबसे पहले लेब्योरोहिका, देन एंग्विला, देन एक्सोसिटस, उसके बाद क्लैरियस, और अभी हम पांचवी फिश के बारे में देखेंगे, कौन सी, एनाबस और क्लाइंबिंग पर्च, इसको कहते हैं आरोहिमिन। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कोडेटा, फाइलम कोडेटा में इसको क्यों इंक्लूड किया गया है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पेरिंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंट के प्रेजेंस के कारण। ग्रुप है इसका क्रेनिएटा, क्रेनिएटा में क्यों रखा गया है, कपाल की उपस्थिति के कारण, क्रेनियम की प्रेजेंस के कारण। ग्रुप सब फाइलम की बात करें तो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा कशेरुक गंध की उपस्थिति। डिवीजन नेथोस्टोमेटा, जबड़े तथा संदिग्ध उपांग का पाया जाना। सुपर क्लास स्पीसीज, मछली की सभी स्पीशीज को किसमें रखा गया है, पीसीज के अंदर। क्लास ऑस्टिक्थिस, ऐसी मछलियां जिनका अंतः कंकाल जो है वो किसका बना हुआ होता है, अस्थि होगा। देन हम बात करते हैं परकोमोर्फी, और जो है वो कौन सा है, परकोमोर्फी। इसमें जो है डोर्सल और एनाल फिन पाए जाते हैं, विशिष्ट संरचना युक्त होते हैं और उसमें फिन रेस जो है वो पाई जाती है। ठीक है, देन जीनस की बात करें तो एनाबस और क्लाइंबिंग पर्च। अब हम इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें इसका, तो यहाँ सबसे पहला भौगोलिक वितरण जो है यह कहाँ पर पाई जाती है, भारत, बर्मा, अफ्रीका, फिलीपींस, श्रीलंका, मलाया द्वीप समूह में सामान्यतः मिलती है, और यह अपर क्रिटेशियस काल से वर्तमान तक पाई जाती है, अपर क्रिटेशियस काल से वर्तमान तक। अब हम इसके स्वभाव और आवास के बारे में देखेंगे। स्वभाव और आवास को देखें तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, यह दक्षिण भारतीय स्वच्छ जलीय सामान्य मछली है जो कि जल से बाहर क्या कर सकती है, अधिक समय तक रह सकती है। यह श्रिम्पो, ऑस्ट्रोपोडो, गैस्ट्रोपोड के कवचों और छोटी छोटी मछलियों को क्या करती है, खाने के रूप में ग्रहण करती है, और ये कैसी मछली है, परभक्षी प्रकार की मछली है। इसको खाती है, छोटी छोटी मछलियों को, गैस्ट्रोपोड के कवचों को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। नर मछलियाँ क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखें, सबसे पहला इसका कॉमन नेम साधारण के इसको क्या कहते हैं, आरोहिमिनिया क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग होती है कितने, 30 सेंटीमीटर। रंग इसका होता है जैतूनी हरा। अब इसके शरीर के ऊपर कौन से शल्क पाए जाते हैं, चक्राप शल्क, साइक्लोइड स्केल। ठीक है, साइक्लोइड शल्क जो है, साइक्लोइड स्केल जो है, चक्राप शल्क पाए जाते हैं जिसे सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त किया जाता है। मतलब कि इसका शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। अब साइक्लोइड स्केल हमने किस किस में देखे थे, सबसे पहला हमने देखे थे लेबियोरोहिता के अंदर। ठीक है, देन हमने एक्सोसिटस के अंदर देखे थे साइक्लोइड स्केल। अब एनाबस में भी हम ये ओवरलैपिंग किए हुए शल्कों को देख रहे हैं। सिर जो है वो कैसा होता है, कोन शेप्ड होता है, शंक्वाकार होता है। इसमें विशाल नेत्र पाए जाते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है आंख की संरचना। नेक्स्ट नोस्ट्रल्स इसमें पाए जाते हैं, नोस्ट्रल ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नोस्ट्रल का पार्ट, उसी के साथ साथ माउथ वाला पार्ट। ठीक है, जबड़े और अग्रवोमर और पैरास्फिनोइड पर शंकु रूपी दांत पाए जाते हैं। इसमें जो है वो कौन शब्द दांत उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेत्र के आगे एक नेत्र कोटर पूर्वी कांटेदार अस्थि होती है। क्या होता है, पूर्वी कांटेदार अस्थि होती है, प्राच्छद के किनारे किनारे छोटे कांटे होते हैं। ये जो ऑपर कुलम होता है उसके किनारे किनारे पे क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे पृष्ठ और अवस्कर पंख, डोर्सल और एनाल। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है आपको डोर्सल फिन। ठीक है, पृष्ठ और यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है कौन सा, एनाल फिन। लंबे होते हैं और आगे की ओर लगभग अस्पंखों की सीध तक फैले रहते हैं। आगे की ओर कौन सा पंख, पेक्टोरल फिन। ठीक है, उसके संरचना तक ये फैले हुए होते हैं, कौन से फिन, डोर्सल फिन और एनाल फिन। ठीक है, अग्र तथा पश्च भागों में विभक्त होते हैं।
और क्रमशः दृढ़ कांटों तथा कोमल रश्मियों से समर्थित होते हैं। मतलब कि इनमें क्या पाई जाती है, डोर्सल और एनाल फिन के अंदर फिन रेस जो है वो पाई जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ श्रोणी पक्ष जो है वो आगे की ओर सरक कर लगभग फर्स्ट पक्ष के नीचे पाए जाते हैं। पैल्विक जो वेन है, श्रोणी पक्ष जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अस्पक के नीचे। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये है पेक्टोरल फिन और ये है पैल्विक फिन, ये है अस्पक और ये है श्रोणी पक्ष। तो अस्पक के नीचे पाए जाते हैं कौन से, श्रोणी पक्ष। इनमें सहायक अधिक्रम, एसेसरी, रेस्पायरेटरी, सुपर ब्रैंकियल ऑर्गन जो है वो उपस्थित होते हैं, जिसमें पतली और वलयित फोल्डेड अस्थिल स्तरिकाएं पाई जाती है। मोर्गनी लेमिना जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एनाबस के अंदर। क्या पाई जाती है, एसेसरी रेस्पायरेटरी सुपर ब्रैंकियल ऑर्गन्स, ठीक है। और ये स्लेश्मा झिल्ली से ढकी रहती है और पूछ जो है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, सममित प्रकार की होती है। अब हम इसके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो यह केचुए की खोज में क्या करती है, अपने कटकों द्वारा स्थल पर पहुंचती है, टेरिस्ट्रियल रीजन पर पहुंचती है। और स्थल पर कोए तथा चील, कोए और चील जो है उनका क्या करती है, भोजन के रूप में ये बनती है। कोए और चील इस पे हमला करके इसको कहाँ पे ले जाते हैं, वृक्ष पर ले जाते हैं। और इस कारण इस मछली को क्या कहा जाता है, आरोही मिन कहा जाता है। वैसे ये मछली वास्तव में वृक्ष पर नहीं चढ़ सकती है, लेकिन जब ये स्थल पर आती है, किस कारण से आती है, केचुए की तलाश के अंदर, तब इसमें क्या होता है कि इसको कोए और चील अपना भोजन बना के ले जाते हैं कहाँ पे, वृक्षों पर, ठीक है। और उसी के कारण इसको कहते हैं आरोही मिन। नेक्स्ट, ये क्या करती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ग्रहण करने के लिए ग्रहण करती है, बहुत ज्यादा वायुमंडल की ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। इस कारण अगर इसको जल के अंदर कंटिन्यूस रखा जाए या इसको रोका जाए जल के अंदर, तो इसका क्या होता है, दम घुटने लगता है। और यह अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक समय तक जल से बाहर जीवित रह सकती है। पहचान देखें तो मछली में पृष्ठ और गुदापक, ठीक है, कौन कौन से, डोर्सल और एनाफिल फिन जो है वो कैसे होते हैं, फिन रेस युक्त होते हैं, यही इसकी पहचान का कारण है। अतः यह मछली कौन सी होगी, एनाबस होगी, ठीक है। तो आज हमने दो फिशेस के बारे में पढ़ा, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा किसके बारे में, क्लेरियस के बारे में, और अभी हमने देखा एनाबस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल हम बात करेंगे हिप्पोकैम्पस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। देखो, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी स्पोर्टिंग बहुत अच्छी हो, आप स्पोर्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।